हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है, कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन टू फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। फाइव ईयर प्लान वॉज सेकेंड फाइव ईयर प्लान, दैट्स इंपॉर्टेंट। देयर वेयर इज अ सम डिफरेंस बिटवीन टू फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान विच इज अ एलिबरेट बिलो हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान टोटली फोकस ऑन एग्रीकल्चर, दैट्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इज अ टोटली फोकस ऑन एग्रीकल्चर विद अ सेकेंड ऑन द इंडस्ट्री सेक्टर। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर एंड सेकेंड ईयर इंडस्ट्री सेक्टर। The first five-year plan is important here because the first five-year plan is started all around balanced development, which would be ensured increasing in the level of national income. That's important. The increasing in the level of national income, 22.6% is allocations was done on the education, health, housing sector. Whereas the second plan is reflected the goal of socialist pattern of society and is localized only 19.7% is a social service. You know that is important here. That's important point here. The first five-year plan is a increasing of national income. This is 22.6% for the education, health and housing. And second plan here, a social pattern of society, a right is here, a purpose for the here, a social service is a 19.7. First five-year plan allocated up 50% of agriculture and 70% on the irrigation and food control various. That's important. But second five-year plan localized only 11.8% of agriculture and 10% irrigation and the food of control. That's difference here, first and second five-year plan here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियोजित विकास की राजनीति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 12वीं CBSE NCERT पॉलिटिकल साइंस यह हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच हमने अंतर बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या अंतर थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बीच अंतर का अगर हम विवरण करें तो ये साफ होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से जो है कृषि पर केंद्रित थी, क्योंकि सभी लोगों का विचार था कृषि हमारा प्राथमिक जो है कहते हैं व्यापार है और हम भारत जो है कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक क्षेत्र को विकास करना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश की गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी औद्योगिकरण पर ध्यान देना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वांगीण संतुलन विकास शुरू हुआ, जिससे राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि काफ़ी सुनिश्चित हुई और इसके अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि पर 22.6% आवंटन किया गया। यानी पैसों का जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास पर 22.6% आवंटन किया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवाद पैटर्न के लक्ष्य को प्रतिबंधित किया गया। यानी दूसरी बात जो थी समाजवाद पैटर्न की तरफ नज़र गई और इसमें केवल 19.7% आवंटन किया गया, जबकि कहते सवाई सेवाओं का प्रतिशत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आवंटन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सिर्फ 15% और सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण पर 17% आवंटन किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर 15% और सिंचाई एवं खाद्य पर 17% का आवंटन सुनिश्चित किया गया।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर केवल 11.8% और सिंचाई और खाद्य नियंत्रण पर 10% आवंटन किया गया। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसमें जो है कृषि पर कम ही लगाई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है यहाँ पर क्वेश्चन, और यहाँ पर जो पॉइंट है हमने 4 ही पॉइंट रखे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिसको समझना है और एनालाइज करना है, विचार करना है और दूसरे बच्चे तक शेयर भी करना है।